देखें, अब वैलिड इनगल्फिंग की तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब पता चले कैसे चलेगा कि इनवैलिड इनगल्फिंग कौन सी है, ठीक है। वो भी मैंने मार्क करके रखी हुई है, मैं ये रिमूव करके आपको समझाता हूँ। वो भी देखें, ये एक रेड कैंडल है, उसके आगे एक बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा विक समेत जो है वो इनगल्फ कर लिया, ठीक है। अब इनगल्फ तो ये हो गई, इनगल्फिंग तो ये बन गई। अब जिस पर हमने ट्रेड लेनी है, जिसको हम वैलिड इनगल्फिंग कहते हैं, वो है कि नहीं है, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। एरिया मार्क करेंगे, एरिया मार्क करने के बाद अगर कोई कैंडल इस एरिया को टच नहीं करती, रीटेस्ट नहीं करती, तो ये हमारे लिए वैलिड हो गया। अभी देखते हैं, ये एरिया किया हमने मार्क, सही है। अभी देखें, वो इनगल्फिंग तो बन गई। अब ये जो थर्ड कैंडल है, अगर ये इस एरिया के अंदर ना बनती तो ये हमारे लिए वैलिड इनगल्फिंग होनी थी, ठीक है। अब ये इधर से इसको रीटेस्ट करके ऊपर गई है, तो ये एरिया हमारे लिए इनवैलिड हो गया, ठीक है। हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। आप इसके आगे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। ये देखें, ये मार्केट इस एरिया में आई, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। और मार्केट इधर आई, रिस्पेक्ट नहीं मिली, सीधा मार्केट नीचे, सही है। ये हो गई हमारी इनवैलिड इनगल्फिंग। मजीद किसी भी बाई का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे मुझे, या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ले उधर, मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई बात नहीं है।